जितनी बड़ी दीवारें उतनी बड़ी दरारें, मंदिर के अंदर हर एक कोने पर हर एक दीवार पर दरार, फिर भी भक्तों के आने का और दर्शन करने का सिलसिला लगातार जारी है। ये दरक रहे पहाड़ एक शहर के डूबने का संकेत दे रहे हैं। हाल ये हो चुका है कि 2500 साल पुराने मंदिर पर भी दरार आ चुकी है। बात हो रही है जोशी मठ की, और जोशी मठ की पहचान कहा जाने वाला आदि गुरु शंकराचार्य जी का पौराणिक मंदिर भी इस भूधसाव का शिकार हो रहा है। पूरी जानकारी इस खास रिपोर्ट में आपके लिए। नमस्कार, आप देख रहे उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। जोशीमठ शहर में लगातार हो रहे भूधसाव के बाद माहौल गर्मा गया है। लोग अपने बसे बसाए घरों को छोड़कर सड़कों पर आ गए हैं। मशाल लेकर लोगों ने अपने आक्रोश को व्यक्त भी किया है। होटल्स हों, बिल्डिंग्स हों, घर हों या सड़कें हों, बड़ी बड़ी दरारें हर किसी को डरा रही हैं। और अब आदि गुरु शंकराचार्य जी के पौराणिक मंदिर पर भी दरार पड़ चुकी है, जिसके बाद लोग और भी सहम गए हैं। आपको बता दें कि ज्योतिर्मठ को ही जोशीमठ का अस्तित्व कहा जाता है। करीबन 2500 साल पुराना ये ज्योतिर्मठ शिवालय अमरकल्प वृक्ष भी अब खतरे की जद में आ चुका है। तस्वीरें हर किसी को हैरान और परेशान कर रही हैं। लगातार भक्त भी इस पौराणिक मंदिर पर दर्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन इस मंदिर में आकर भक्त आपदा से, इस संकट से लड़ने की शक्ति मांग रहे हैं। अब ये पौराणिक मंदिर भी इस आपदा की चपेट में आ गया है। मंदिर के अंदर जिस तरफ आप नजर घुमाएंगे, उस तरफ आपको दरारें दिखेंगी। मंदिर की स्थिति इस वक्त क्या है, इससे आपको रूबरू करवाएंगे हमारे सहयोगी कमल नयन। देखिए, जोशीमठ में भूत हसाव का दायरा अब भगवान के मंदिर पर भी दिखाई देने लगा है। यहाँ पे भी अब जो ये जोशीमठ का पौराणिक आदि जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित है, 2500 वर्ष पुराना ये बताया जाता है, इस पे दरारों का सिलसिला शुरू हो गया है। कल्पवृक्ष, अमर कल्पवृक्ष यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ हर तरफ अब दरारें दिखने लगी है, क्योंकि जोशीमठ में धीरे धीरे दरारों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अंदर दिखाएं, यहाँ पे भक्त बावजूद इसके पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु ये पौराणिक मंदिर में अखंड ज्योति के दर्शन कर रहे हैं, भगवान शिव को पानी चढ़ा, लेकिन यहाँ दीवारें डरा रही है। दरार हर तरफ देखने को मिल रही है, चाहे इधर देखे चाहे उधर देखे, इधर दीवार पूरी बाहर आने को बेताब है, इधर दरवाजे का पूरा ये जो ये पौराणिक है इतना कठोर है, लेकिन इस पे भी मोटी मोटी दरार देखने को मिल रही है। कहीं जहां इस समय देखें, इस मंदिर पे पूरी तरह से दरारें दिखाई दे रही हैं। यही हाल इस मंदिर का है, और ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य जिन्हें दिव्य ज्योति की प्राप्ति हुई थी, इसी मंदिर के नीचे अमरकल्प वृक्ष के नीचे हुई थी। आज इस मंदिर के अस्तित्व पे भी खतरा मंडरा गया है, क्योंकि जोशीमठ भूत हसाव के इस समय बड़े दायरे में सिमट रहा है, और ये अब भगवान के मंदिर में भी दिखाई देने लगा है, जिससे जोशीमठ का अस्तित्व है वही आज खतरे की साये में है। कमल नयन सिलोरी, जोशीमठ, उत्तराखंड तक।